हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, आज का बहाली का अपडेट फिर से कोस्ट गार्ड की तरफ से निकाला गया। तो कुछ दिन पहले कोस्ट गार्ड का बहाली का अपडेट निकाला गया था, जिसका वीडियो मैं डाला था और उसका आखिरी डेट जो बताया गया था 29 तारीख तक आखिरी डेट था। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको फिर से एक इंडियन कोस्ट गार्ड का बहाली का अपडेट मैं बताने वाला हूँ, जिसमें पोस्ट का नाम असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पर बहाली का अपडेट निकाला गया। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, अगर आप कोई भी स्टेट से है तो फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में हम वीडियो में देख लेंगे कि कौन कौन लोग फॉर्म को भर सकेंगे, फीस वगैरह क्या क्या होगा। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट खुल चुका है। इसका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्वायरमेंट 2018, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो यहाँ पर से इसका एडवर्टाइजमेंट निकाला गया और इसमें पोस्ट का नाम जो निकल कर आता है असिस्टेंट कमांडेंट ग्रुप ए गजेटेड ऑफिसर का, यहाँ पर मतलब ऑफिसर का यहाँ पर ए ग्रेड का बहाली का अपडेट यहाँ पर निकाला गया। और देखिए, इंपॉर्टेंट डेट की बात कर ले, आप इसका ऑनलाइन अगर करना चाहते हैं तो स्टार्टिंग डेट जो आपका होगा 18 नवंबर 2018 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट किया जाएगा। मतलब अभी इसका ऑनलाइन स्टार्ट नहीं किया गया है। तो फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको 18 तारीख से ही फॉर्म भरने को मिलेगा। उसके बाद लास्ट डेट इसका होगा 30 नवंबर 2018। मतलब आपको सिर्फ 12 दिन का टाइम दिया जाएगा, 12 दिन में आपको इसका ऑनलाइन करना है। और देखिए, यहाँ पर टेंटेटिव एग्ज़ाम यहाँ पर जो इसका डेट बताया गया 17 दिसंबर 2018 से 17 जनवरी 2018 तक आपका प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दो एग्ज़ाम रखा गया, पहला 17 दिसंबर, दूसरा 17 जनवरी को आपका एग्ज़ाम बताया जा रहा है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर ले तो यहाँ पर कोई अप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं देना है। तो यहाँ पर सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर फ्री है, सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जॉब लोकेशन की बात कर ले तो एनी लोकेशन इन इंडिया, मतलब सभी स्टेट के लिए यहाँ पर फॉर्म निकाला गया, कहीं भी आपको जॉब दिया जा सकता है। अब हम एज लिमिट की बात कर ले तो एज लिमिट यहाँ पर जो बताया जा रहा है, जनरल ड्यूटी SSA के लिए अगर फॉर्म को भरते तो 1 जुलाई 1998 से 30 जनवरी 2000 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, कमर्शियल पायलट इंट्री के लिए अगर आप फॉर्म को भरते तो 1 जुलाई 1994 से 30 जून 2000 के बीच का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लॉ के लिए अगर आप फॉर्म को भरते तो क्या लिखा हुआ, कैंडिडेट शेयरिंग देयर डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 1 जुलाई 1989 से 30 जून 1998 के बीच का आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। और देखिए, नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया, तो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक दो हम आपको पे स्केल बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया। जैसे कि देख सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट के लिए अगर आप भरते तो 56,100 मिलेगा, डिप्टी कमांडेंट के लिए भरते तो 67,700 मिलेगा, कमांडेंट के लिए अगर आप भरते तो 78,800 मिलेगा, कमांडेंट के लिए यहाँ पर भरते तो 1,85,500 रुपया आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके अलावा देख सकते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के लिए भरते 1,31,100 रुपया प्रति महीना मिलेगा। तो इस प्रकार से काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको पे स्केल मिल जाता है। और देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो यहाँ पर पोस्ट वाइज एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा गया है। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ, एक नंबर में जनरल ड्यूटी के लिए अगर फॉर्म को अप्लाई करें तो आपको बैचलर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से 60% मार्क्स आपका होना जरूरी है, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। तो इसमें फर्स्ट डिवीजन आपको मांगा गया जनरल ड्यूटी के लिए। अगर आप जनरल ड्यूटी पायलट मेल फीमेल दोनों अगर भर रही हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, कम्प्लीटली इंटरमीडिएट अप टू मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड सब्जेक्ट 60% मार्क्स। तो आपको यहाँ पर 60% मार्क्स के साथ आपको मैथमेटिक्स फिजिक्स आपको देना पड़ेगा, तभी आप फॉर्म को भर सकेंगे। उसके बाद तीन नंबर में देखिए, कमर्शियल पायलट इंट्री के लिए अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो देखिए, कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपका होना चाहिए सबसे पहले, उसके बाद आपका 12 पास होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास अगर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन DGCA मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 पास का अगर आपके पास डिग्री होगा 60% मार्क्स के साथ, तभी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद देखिए, आखिर में यहां पर लॉ का यहां पर बहाली का यहां पर अपडेट निकाला गया और इसमें बैचलर डिग्री मिनिमम 60% मार्क्स आपका मांगा गया है, और उसके अलावा यहां पर आपका लॉ का यहां पर डिग्री मांगा गया, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। और देखिए, हाइट की बात कर ले तो यहाँ पर हाइट मांगा गया है, देखिए असिस्टेंट कमांडेंट एंड लॉ के लिए 157 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा गया, मेल 152 सेंटीमीटर यहाँ पर
आपको बताया जा रहा। तो इस तरह से इसका हाइट भी यहाँ पर मांगा गया है। चेस्ट की बात कर ले तो यहाँ पर देखिए चेस्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोपोर्शन मिनिमम 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन तो आपको 5 सेंटीमीटर आपको फुलाकर दिखाना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। हाउ टू अप्लाई की बात कर ले तो आपको इसके वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। देख इसके वेबसाइट में जाकर आप 30 नवंबर 2018 तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं छोड़ दूंगा, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट में चले जाएंगे और आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और सिलेक्शन की बात कर ले तो देखिए यहाँ पर क्या लो, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टेड अप्लीकेशन, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन। तो आपका पहले शॉर्ट लिस्ट होगा तो आप जितने कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे उनमें से जिनका भी ज़्यादा नंबर होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा और उन्हीं को यहाँ पर रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से इसका आवेदन बनाया गया। देखिए अभी इसका लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, 18 नवंबर 2018 तक आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो आपको 18 नवंबर के बाद ही ऑनलाइन करना है और इस फॉर्म को भरना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी का अपडेट दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइएगा। उससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। तो आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, टेक केयर, बाय।